मेन मोटिवेटर तो ऊपर वाले हैं, उसके बाद गुरुजी हैं और गुरुजी के बाद सारे लोग। क्या शब्द कहोगे उनके? कुछ कह नहीं सकते मैम, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके एक वर्ड से सारे लोग आके डोनेट करते हैं, तो मेन मोटिवेटर तो वही है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शर्मा, आज हम डेरा सच्चा सौदा केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो रक्तदान शिविर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से लगाया जा रहा है, उसी के अंदर हम पहुँचे हुए हैं। ब्लड बैंक के पास हम पहुँचे हैं, जानते हैं कि क्या कहते हैं ब्लड बैंक जो यहाँ पर ब्लड लेने आए हैं, जो रक्तदान शिविर डेरा सच्चा सौदा में लगा हुआ है, बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? रमेश झा। कौन से ब्लड बैंक के सर आप? संगम चैरिटेबल ब्लड बैंक गाजियाबाद। सर किस तरह का आपको लग रहा है यहाँ पर माहौल, क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? हो जाएगी मैम, बहुत सारे डोनर हैं और बहुत देने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने मन से इच्छा से देने की भावना रखते हैं, वो लोग दे रहे हैं और हो रहा है। सारे काफ़ी ब्लड बैंक आए हैं, सारे ब्लड बैंकों को ब्लड भी मिल रहा है और सारे लोग खुशी खुशी ब्लड दे रहे हैं। आप कितना टारगेट लेके आए हो? मैम वैसे हम लोग तो 400 का टारगेट लेके आए। कितना आउट कंप्लीट हो गया? 50% के आसपास। सर आपने और जगह पे भी कैंप लगाया होगा, यहाँ के कैंप में कुछ अलग आपको फील हो रहा है? और जगह में यहाँ में काफ़ी अंतर है, और जगह में जैसे कैंप लगाते हैं हम लोग कॉलेजों में कंपनियों में, तो सिलेक्टेड डोनर्स होते हैं, यहाँ पे डोनर की कमी नहीं है, सारे लोग खुद ही आके डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो डोनर्स यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको जैसे पैसे दे के डोनेट करवाया जा रहा है, मतलब किस तरह कैसे वो डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि किसी को मोटिवेट करना आज के समय में काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है, तो इन लोगों को किसने मोटिवेट किया, मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या फील? ये लोग इंसानियत के लिए डोनेट कर रहे हैं, इन लोगों में ना तो कोई लोभ है ना कुछ। यहाँ आप अगर किसी को बोलेंगे भी कि तुम कुछ ले लो तो नहीं लेगा, वो इंसानियत के लिए डोनेट करने आते हैं और हमेशा आते हैं, बराबर आते हैं यहाँ के डोनर, तो कोई प्रोफेशनल डोनर नहीं है यहाँ पर, सारे लोग अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं। सर डोनेट करने से क्या बेनिफिट होता है? डोनेट करने से अगर आप हर 3 महीने पर डोनेट कर सकती हैं, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जो ओवर एज में जाके होती हैं वो नहीं होता, स्किन कभी खराब नहीं होता, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, तो जो टाइम टू टाइम करते हैं उन्हें ये बेनिफिट मिलता है। इसका यूज़ क्या होता है जैसे आप लेके जाते हो? जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो पेशेंट हैं जिनको सर्जरी होती है या डिलीवरी पेशेंट होते हैं उन्हें ब्लड चढ़ता है, तो उनको ब्लड प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, वही यहाँ ये जो ब्लड जाती है वहीं जाती है। एक यूनिट कितनी लाइफ्स को सेव करता है? एक यूनिट 3 लाइफ्स। तो कितनी जिंदगियों को आज, कितनी लाइफ को सेव करेगा डेरा सच्चा सौदा? अगर 1000 है तो 5000 लोगों की जान बचाएगा, अगर 1000 यूनिट कलेक्ट हो जाता है मैम तो समझ लीजिए कि 5000 के आसपास, क्योंकि कई बार होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 1-2 करके होता है तो उसमें बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए मैं 3 बताया आपको तो 5 मान के चलिए होता है, तो अगर 1000 यूनिट कलेक्शन होता है तो 5000 लोगों की जान बचेगी। कैसे, क्या कहना चाहोगे सर इस संस्था के लिए, आप जो इतनी जिंदगियां बचा रहा है इसके? ये संस्था तो गजब है, मतलब गजब ही कह सकते हैं, इंसानियत के लिए ऐसी संस्था और हमने देखा नहीं है। हमने सिरसा में भी जाके हम लोगों ने किया हुआ है डेरा सच्चा सौदा में, और यहाँ भी कई सालों से हम आ रहे हैं करने के लिए, तो इनका कुछ मतलब कुछ बोल नहीं सकते, शब्द नहीं है इनकी संस्था के लिए, बहुत अच्छा काम करती हैं ये लोगों की जिंदगी के लिए। आपको लगता है भी ऐसी मोटिवेशन की, ऐसे मोटिवेटर की समाज को जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटीरियर एरिया में लोग मोटिवेट नहीं है, इस ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर नहीं है, उन्हें भी अवेयर कर रहे हैं जो इस संस्था के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि आज मान लीजिए इस इंटीरियर में लोग इतना डोनेशन कर रहे हैं, ये हर जगह नहीं है, हम लोग कई स्टेट में जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये गुरुजी की वजह से ही हो रहा है सर। सवाल और पूछूंगी कि कितने की जरूरत होती है, जैसे इंडिया लेवल की बात करें कितने की जरूरत होती है खून की, कितने की लोग कमी से मर जाते हैं? मैम ये समझ लीजिए कि अगर 8 लाख कलेक्शन होता है तो उसमें से 5 लाख की पूर्ति होती है, 3 लाख लोग मर जाते हैं।